हेलो एवरीवन, वेलकम टू थारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि बीम में कवर ब्लॉक कैसे लगाना है। जो कवर ब्लॉक होता है, अब यहाँ देख रहे हैं कवर ब्लॉक, ये देखिए वो कवर ब्लॉक कैसे रखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा उपाय आपको क्या करना चाहिए, कवर ब्लॉक तो लगाना चाहिए 25 mm का। देखिए 25 mm का रखा गया है, ये 20 mm का शायद यहाँ पर रखा गया। देखिए 20 mm लिखा हुआ है, तो 20 mm का दिया गया यहाँ पर कवर, ठीक है। और इसे क्या करना है, वो जो स्टील तार होता है उसे बांध के रखना है, नहीं तो ये मिसप्लेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी बांध के रखा गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है, आपको इस टाइप से ही लगवाना चाहिए। देख रहे हैं कवर ब्लॉक इसी टाइप से लगवाना चाहिए आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस टाइप से आपको कवर ब्लॉक लगाना चाहिए। और इस बीम की डिटेल बता दूँ, देखिए यहाँ पे 3 नीचे में 16 mm का दिया गया है और 3 ऊपर में 16 mm का दिया गया है, ठीक है। और ये स्टिरअप है 8 mm का है, क्योंकि स्पेसिंग है 6 इंच है, 6 इंच सेंटर सेंटर स्पेसिंग इसका है। और ये 3 मेन बार है नीचे और 3 ऊपर में दिया गया है, अब देख रहे हैं यहाँ पर, यानी 6 नंबर ऑफ स्टील यूज किया गया है इस बीम में, जो कि स्टेयर के पास है। देख रहे हैं आप, और 8 mm का स्टीरअप यूज किया है, इसे 135 डिग्री पे बेंड होना चाहिए था अंदर की तरफ। बाकी ये 6 इंच है, यहाँ पे स्पेसिंग कम होना चाहिए, लेकिन 6 इंच यहाँ पे दिया गया है और 8 mm का स्टीरअप है। देख रहे स्टील का यहाँ पे काम हो रहा है अभी, और इसकी छत ढलाई कुछ दिन में होगी, इसलिए उसके बाद हम वीडियो लाएंगे क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।